नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं 15 अप्रैल के रिकॉर्डिंग एमसीक्यू जो फ्रेम किए गए हैं द हिंदू से, पीआईबी से और इंडियन एक्सप्रेस से। दोस्तों, हमारे जो वीडियो होते हैं वो मिलता है रोज़ आपको सुबह 6 बजे, इसके एक घंटे के बाद 7 बजे आपके लिए हम लाते हैं मॉक टेस्ट। रोज़ सोमवार से शुक्रवार आपको ये दोनों वीडियोज़ मिला करते हैं। दोनों वीडियोज़ पूरी तरह से फ्री होते हैं। इनका जो पीडीएफ होता है हम देते हैं आपको टेलीग्राम चैनल, जिसका आईडी है @सुमंत। टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिएगा, यहाँ पर @सुमंत टाइप कीजिएगा, यहाँ पर आपको मेरे सारे पीडीएफ्स, मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। 14 अप्रैल का मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया गया है, 14 अप्रैल का आपका जो करंट अफेयर एमसीक्यूज़ का पीडीएफ है उसको भी अपलोड कर दिया गया है, तो इन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो एमसीक्यूज़ है डिस्कस करते हैं, सारा आपको मेरे वीडियोज़ पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग रोज़ अपना शुरू करने से पहले 15 अप्रैल का हम जो कल का एमसीक्यू है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से, 15 आपके 5 मिनट में। ये हमारा है 14 अप्रैल का एमसीक्यूज़। मेरा जो पहला सवाल था वो था पीटलैंड के बारे में। पीटलैंड क्या होता है? पीटलैंड वेटलैंड होते हैं जो परमानेंटली वाटर लॉक्ड होते हैं। यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें काफ़ी इससे स्लो होता है, इसलिए यहाँ पर कार्बन कंटेंट काफ़ी हाई होता है। कार्बन का डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है, इसलिए यहाँ पर कार्बन कंटेंट काफ़ी हाई होता है मिट्टी में। मिट्टी काफ़ी गहरे रंग की होती है और ये कार्बन सिंक होता है बहुत बड़ा, काफ़ी कम एरिया में काफ़ी ज़्यादा कार्बन ये स्टोर किए हुए रहता है। ये ट्रॉपिकल के अलावा जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पर भी मिलता है, जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पर मिलता है, मैनग्रोव में भी मिलता है। ये कौन सा? पीटलैंड। यहाँ पे पॉलन, सीड्स, ह्यूमन रिमेन काफ़ी लंबे समय तक बसे रहते हैं और इसी कारण से ये आर्कियोलॉजी में काफ़ी हेल्प करते हैं। क्यों सर? वहाँ पर जो खुदाई होती है और वहाँ पर जो जो हमारी चीज़ें निकलती है ना, वो बताती हैं कि हाँ पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था। फिर डिस्कस किया था हमने जो हमारा टेक्नोलॉजी है नया वाला CSAT-5 के बारे में। यहाँ पर आपको जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन है वो दिया जाता बिना किसी सेटेलाइट फ़ोन की ज़रूरत के, किसी भी वाईफाई इनेबल्ड फ़ोन से आप इसका लाभ उठा पाते। दूरगामी जो इलाके हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल आप कर पाते। क्या था? पहला सही था, दूसरा सही था, सी बोथ 1 और 2 वेयर करेक्ट। दोस्तों, इसका डिप्लॉयमेंट काफ़ी आसान है क्योंकि सस्ता है, यहाँ पर कोई एक्सपेंसिव सेटेलाइट फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी वाईफाई इनेबल्ड फ़ोन से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कनेक्टिविटी के लिए। क्लियर है? XGX पॉन, CSAT-5, CSAT-B, ये जो तीन थे इसको इन्होंने CDOT ने लॉन्च किया था अपने फाउंडेशन डे के दिन। अगला सवाल था इनमें से कौन कौन से पिलर हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के। टोटल 9 पिलर हैं डिजिटल इंडिया के, उसमें से 4 हैं यूनिवर्सल एक्सेस, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ई क्रांति, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, और बाकी जो 5 हैं वो हैं आपके ई गवर्नेंस, ब्रॉडबैंड हाईवे, यूनिवर्सल मोबाइल एक्सेस, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, अर्ली हार्वेस्ट, IT फॉर जॉब और ई क्रांति। ये सारे आपके 9 जो हैं वो पिलर हैं आपके डिजिटल इंडिया के। क्लियर है? अगला सवाल था गोल्डन लंगूर के बारे में। आसाम का जो आखिरी गोल्डन लंगूर है उसकी मृत्यु हो गई थी, इसी कारण से वहाँ पर कोई बचा नहीं था और ये आसाम में एक्सटिंक्ट हो गया था। हमने डिस्कस किया था कि ये मोस्ट इंडेंजर प्राइमेट है इंडिया में, ये केवल भारत में नहीं भूटान भी मिलता है। इसको लिस्ट किया गया है साइट्स का, अपेंडिक्स 1 है वहाँ पर, Schedule 1 जो है WPO का वहाँ पर इसको लिस्ट किया गया है। क्लियर है? ये काफ़ी छोटे रीजन में मिलता है, इसका आवास नष्ट हो रहा है, इसी कारण से ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। ये IUCN के मुताबिक एक इंडेंजर्ड प्राणी है। क्या है? इंडेंजर्ड है। अगला सवाल है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजन, ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है WTO से, हमने बताया था आपको ये संबंधित है WTO से। अगला सवाल था रेड सैंडर्स के बारे में, ये ईस्टर्न घाट का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर मिलता है, इसमें कोई सुगंध वगैरह नहीं होता, इसका इस्तेमाल होता है शिप बिल्डिंग में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है IUCN के मुताबिक, हमने इस सब का आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये थी बातें हमारे कल की। अब हम आज अपनी नई बातें करते हैं, हम लोग अपने नए न्यूज़ को, नए MCQs को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और इसको शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में,
अंकिता, मुकेश, निशा, साजहा खातून, मीनू, दिनेश, अनी, मनप्रीत, रुचि, अमित, रवीना, हरि यादव, अशोक पासवान, विनु श्रीवास्तव, दिनेश देशपांडे, छाया, विनोद कुमार। बढ़िया, सब गुड मॉर्निंग, सबको वेलकम, सब लोग आइए। देखो न्यूज़ देखो, कल 10 बजे मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया और उन्होंने जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक बढ़ा दिया। जो हॉटस्पॉट हैं, हॉटस्पॉट का मतलब वो एरिया जहां पर ज़्यादा केसेस पाए गए हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन के, वहां पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा कड़ा लगाया जाएगा। एक मॉडल है, उसका नाम है भीलवाड़ा मॉडल, काफ़ी न्यूज़ में था ये वाला। उसका मतलब क्या होता है, भीलवाड़ा मॉडल का मतलब ये है कि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इतनी टाइट है कि आप इसेंशियल चीज़ों को लेने के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते, बस आप घर में बने रहिए, बाहर नहीं निकलना है। आपके यहाँ रोटी दाल नहीं है, आप फ़ोन कीजिए, आपके यहाँ जाकर के पहुँचाया जाएगा, आपको बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, तो ये था भीलवाड़ा मॉडल, काफ़ी स्ट्रिक्ट यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगाई गई थी। अभी आप देख पा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 1400 से ज़्यादा नए केसेस आ गए हैं हमारे यहाँ भारत में, और डेथ की संख्या बढ़ी है। कल जैसे ही पीएम ने अनाउंस किया 3 मई तक का लॉकडाउन, जो माइग्रेंट वर्कर हैं मुंबई में बाहर आ गए थे लोगों को, उन्होंने कहा कि मुझे अब खाना नहीं चाहिए, मुझे हमारे जैसे कि हमारे घर पहुँचाओ। ठीक है, इंडिया ने चाइना से रिक्वेस्ट किया था कि 15 मिलियन जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं हमारे मेडिकल जो हमारे स्टाफ हैं उनके लिए वो दे, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है हम कोशिश करते हैं, वहाँ पर से आएगा, ऐसी बात हुई है। ठीक दोस्तों, जो डेथ पहुँच गया है 1,26,565, इतनी टोटल डेथ हुई है पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस से। चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के सवालों की तरफ। क्लियर है, यह बातें मेरे बारे में, नाम पता है आपको, सब बातें पता है आपको मेरे बारे में। जो टेलीग्राम चैनल है इसकी आईडी है @sumant, फेसबुक पेज भी है यही, और @sumant@gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी है। आपको कोई भी समस्या हो, आपको कोर्स ज्वाइन करना हो, लेना सब्सक्रिप्शन लेना हो आपका नर्क अकेडमी का, मुझे मेल कीजिए इस ईमेल आईडी पर, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। @sumant@gmail.com ये मेरी ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप मुझसे कोई बातें पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, अभी मैंने दिखाया आपको, टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिएगा, वहाँ पर ये वर्ड सर्च कीजिएगा, आपको मेरे सारे पीडीएफ्स और वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, हम अभी लॉन्च कर रहे हैं 2 कोर्सेज नए, अभी साइंस एंड टेक का और एनवायरनमेंट का, अभी एक एक क्लास हुआ है, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी दोनों में हम लोग जो पूरा करेंट है उसे कवर करेंगे, करेंट प्लस स्टैटिक के वो टॉपिक जो करंट में आए हैं उन्हें हम देखेंगे, ताकि हमारा कोई भी सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में ना छूटे। दोनों हमारे कोर्सेज हैं जहां पर हम लोग करंट और स्टैटिक दोनों कवर करेंगे। और एमसीक्यू के मेरे पास 2 कोर्स हैं, पहला एमसीक्यू का कोर्स है इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस का, दूसरा कोर्स है फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी का। ये दोनों कोर्स एमसीक्यू वाले कोर्स हैं, यहां पर टॉपिक्स को हम लोग एमसीक्यू के ज़रिए कवर करेंगे। एमसीक्यू हमारे लिए हमेशा बहाना होता है, पता है आपको, हमें उनके ज़रिए जो पूरा टॉपिक्स होता है ना उन्हें कवर करना होता है एक्चुअली। तो ये आपके 4 कोर्स चल रहे हैं, हमने एंशियंट आर्टिकल्स हमने कवर कर दिया है, इन्हें अभी आप देख सकते हैं। जो मैंने कोर्स पहले बना दिया है उनको भी आप देख सकते हैं, अगर आप कूपन कोड SNLIVE यूज़ करेंगे तो। आपको इस्तेमाल करना है, आपके किसी दोस्त को इस्तेमाल करना है, आपको कोई भी कोड पूरे अनअकैडमी पे बाई करना है, आपको कहीं भी सब्सक्रिप्शन है PCS का, UPSC का, आप इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड को ध्यान रखिएगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। जो फ़ी है 2 साल की वो है 48,000, 1 साल की फ़ी है 40,000। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, और ये 40 वाला पड़ जाएगा आपको 36 का, और जो 48 का है पड़ जाएगा आपको 43.2 का। तो इसको डिस्काउंट मिलेगा आपको इस कोड को यूज़ करने पे। कोड को यूज़ करते ही आप मुझे ईमेल कीजिएगा स्क्रीनशॉट आपका जो उसका जो है परचेस है ना उसका, इस ईमेल आईडी पर आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जो हमारा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनअकैडमी का ऐप ओपन कीजिएगा, वहाँ पर सर्च कीजिएगा सुमंत कुमार, आपको मेरे सारे बातें मिल जाएंगी। ये प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा, आपको सारे क्लासेस हमारे मिल जाएंगी। ध्यान सुनना, आज 3 बजे से आज स्पेशल क्लास है, भूलना नहीं है, आज पहुँच जाना है। 3 बजे शाम को आज स्पेशल क्लास है, भूलना नहीं है, आना है आज। पहला हमारा सवाल है,
एक न्यूज आई थी इंडियन एक्सप्रेस में, हु वाज स्वामी श्रद्धानंद हु फेल टू बुलेट्स इन दिसंबर 1926। श्रद्धानंद जो थे वो एक मेंबर थे आर्य समाज के। हमने आपको सवाल दिया है आर्य समाज के ऊपर। अब देखो टॉपिक, ये जो आर्य समाज है ये तो वैसे स्टैटिक का टॉपिक है मगर न्यूज़ में था, समझ रहे हो बात। टॉपिक चूंकि न्यूज़ में था इसीलिए हम लोग इसको पूरा कवर कर रहे हैं। सवाल आपका है आर्य समाज के बारे में, क्या ये एक हिंदू रिफॉर्म मोमेंट है जिसको फाउंड किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। नाम सुना है दयानंद सरस्वती। इट डज नॉट बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ द वेदा। तीसरा, इट्स सेंट्रल ऑब्जेक्टिव इज टू एरेडिकेट इग्नोरेंस पॉवर्टी एंड इनजस्टिस फ्रॉम द अर्थ। 1, 2, 3 में कौन सी बात सही मुझे बताइएगा ध्यान से। 1, 2, 3 में कौन सी बात सही मुझे बताइएगा ध्यान से। गलत नहीं होना चाहिए वाला सवाल, बिल्कुल ही आसान सवाल है। आपके यहाँ बारिश हुई है आज? अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है, जॉब दीजिएगा आप। वेदो की ओर लौटो, ठीक है। बढ़िया, बी 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 आंसर है। ठीक है, जब इन्होंने खुद कहा था कि वेदों की ओर लौटो, जब इन्होंने खुद कहा था कि वेदों की ओर लौटो, ये लोग वेद को इनफॉलेबल मानते थे, मतलब वेद गलत हो ही नहीं सकता। अगर वेद गलत हो ही नहीं सकता तो उसकी अथॉरिटी में तो बिलीव कर ही रहे हैं वो। दे बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदा, यहाँ पर नॉट गलत हो गया, दूसरा गलत है, पहला सही है, तीसरा सही है। उन्होंने सोचा था कि हम जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, इसको हटा देंगे, जो गरीबी है, जो इनजस्टिस है, अन्याय है, इन सबको मिटा देंगे पूरी पृथ्वी से। 1 and 3, B इज द करेक्ट आंसर। आपको सवाल आसान लगा, आप खुश हो गए, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया। इसको फाउंड किया था दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में। किन्होंने फाउंड किया था? दयानंद सरस्वती, 1875 बॉम्बे में। इन्होंने कहा था कि वेदा जो है वो इनफॉलेबल हैं, इनको अज्ञान, अभाव और अन्याय, इन तीनों को इरेडिकेट करना था। ये इनके 10 नियम में सम्मिलित हैं। ये एक कोई नया धर्म नहीं है, ये एक कोई नया सेक्ट नहीं है, ये हिंदू का ही पात है, ठीक है, ये हिंदू का ही एक भाग है। ये बिलीव किया करते थे एक गॉड में, मतलब कि जो वननेस है इसमें बिलीव किया करते थे। जो मूर्ति पूजा है इसका ये लोग विरोध किया करते थे, मूर्ति पूजा का ये पूरी तरह से विरोध किया करते थे आर्य समाज। फिर जो रामकृष्ण मिशन है ये सभी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अगला सवाल है बीटी कॉटन के बारे में, हमारा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनके बारे में। बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट जो रेसिस्टेंट है प्लांट कॉटन वैरायटी विच प्रोड्यूसेस एन इंसेक्ट बॉलवॉर्म। बॉलवॉर्म एक कीड़ा होता है जो आपका जो कॉटन है और बैगन है दोनों में लगता है। बॉलवॉर्म, वाइट फ्लाई, ये सब आपका जो कॉटन, कपास और बैगन दोनों में लगता है। तो बीटी कॉटन क्या एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है? क्या ये क्रॉप वैरायटी है जो एक इंसेक्टिसाइड पैदा करता है बॉलवॉर्म को मारने के लिए? क्या जीईएसी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक एसेस द सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट? क्या जीईएसी है जो सेफ्टी को डिसाइड करता है और क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत है? तीसरा, सेल स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज ऑफ अनअप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, क्या ये पनिशेबल है लॉ के अंतर्गत? क्या आंसर है जी? जी हाँ बिल्कुल सही, एकेश्वरवाद में ये विश्वास किया करते थे आर्य समाज के लोग। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या आंसर है इसका? यहां पर डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक है क्या?
यहाँ पर डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक नहीं है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है। कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। मेरा सेकंड गलत हो गया, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। क्या आंसर आया जी? सी ठीक है, सी मेरा आंसर जो है वो सही है। ये जो बीटी कॉटन है वो बल्ब वो है ना, ये आपका बुलवरों को मारने मारने के लिए एक इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करता है खुद अपने भीतर से, और इसके कारण से जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ता है। मेरा पहला सही है। GEAC मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत, और यही है जो डिसाइड करता है उस GM क्रॉप की सेफ्टी, मतलब उसको अप्रूव करने का काम यही GEAC ही करता है। GEAC कहेगा तो वो फसल नई वाला क्रॉप अप्रूव होगा, नहीं कहेगा तो अप्रूव नहीं होगा, वो फील्ड में प्लांटेशन के लिए नहीं जाएगा। सेल, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, अनअप्रूव्ड GM सीड का ये एक पनिशेबल ऑफेंस है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के जो रूल्स होते हैं उनके अंतर्गत। क्लियर है? मैंने बताया था कि पहले बनता है एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये जो एक्ट है ये बना है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके रूल्स बनाए गए हैं। इसी रूल्स के अंतर्गत इनका अनअप्रूव्ड GM क्रॉप का सेल, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ये सब बैन है। अगला सवाल है, GEAC को बनाया गया है कौन से कानून के भीतर? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, BDA 2002, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। सर बिल्कुल आसान सवाल है, टफ सवाल के बाद आपको आज एक आसान सवाल दिया गया है। ये जो GEAC है ये किसके अंतर्गत है? इसको टफ नहीं बोलते, इसको फंडामेंटल बोलते हैं। यही क्वेश्चन मैं अगर आपको एग्जाम हॉल में पूछ दूंगा ना तो उड़ जाएंगे कि हाँ ये कौन सा, ये कमेटी कौन से एक्ट के अंतर्गत था। एग्जाम हॉल में आपको आसान सवाल भी टफ लगता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, आपको बस पता है ना कि ये आंसर इसलिए आपको आसान लग रहा है। अगर बताने से पहले पूछा होता या आपसे एक सप्ताह बाद पूछूंगा तो आपको यही क्वेश्चन टफ लगेगा। ये जो EPA है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसी के अंतर्गत ये GEAC बनाया गया है। ये सवाल UPSC प्रीलिम्स का है, UPSC ने यही सवाल पूछा था। ए मेरा है जो सही आंसर है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो GEAC है इसको बनाया गया है, जो फील्ड ट्रायल है इसको परमिट करने के लिए, और जो GM क्रॉप हैं इनके कमर्शियल रिलीज के लिए, मतलब बेचने के लिए किसानों को, यही अप्रूवल है जो देगा। अगला सवाल है, आओ संगथम, लोथास ट्राइब, जिन्हें हम लोग कभी कभी न्यूज़ में देखते हैं, ये बसा हुआ है कहाँ पे? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, झारखंड। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, झारखंड, ये कौन से राज्य के ट्राइब्स हैं आपको ध्यान से बताना है। आओ संगथम, संगथम, लोथास, ये कहाँ से हैं? ठीक है, बढ़िया। क्लियर है? बिल्कुल आसान सवाल है। कौन सा राज्य है जी? नागालैंड है। ये लोथास, लोथास तो फेमस है काफी, लोथास, संगथम, ये दोनों फेमस है। आओ ये तीनों ट्राइब मिलते हैं नागालैंड में। नागालैंड क्यों अभी न्यूज में था? नागालैंड क्यों न्यूज में था? क्योंकि नागालैंड में कोई भी कोरोना वायरस का केस नहीं पाया गया है, वहां पर कोई भी केस नहीं पाया गया है, इसीलिए न्यूज में था। आपका ए इज द करेक्ट आंसर। अब सर न्यूज में नहीं है, पेपर में छप गया, हमको पता तो करना ही पड़ेगा नागालैंड के बारे में, उनका कल्चर। वहां पर एक होता है फेस्टिवल, इसे कहते हैं हम लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। मोदी जी गए थे, माथे में लगा लिया था, वो सब नाच रहे थे वहाँ पे। तो नागालैंड में मिलते हैं आओ संगथम और लोथास ट्राइब, ध्यान सुनना, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और एक और बात इंक्लूड करी जाती है, HDI जो होता है ना,
HDI जो है ये एक कंपोजिट इंडेक्स है, कंपोजिट इंडेक्स है, मतलब कि इस इंडेक्स में हम लोग अलग अलग पैरामीटर को देखते हैं। वो पैरामीटर एक तो हो गया लिटरेसी रेट, एक हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तीसरा क्या है, GNP पर हेड इन यूएस डॉलर, GDP पर हेड इन रियल परचेसिंग पावर, GNP इन यूएस डॉलर, नेशनल इनकम पर हेड इन यूएस डॉलर। ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा, बिल्कुल आसान सवाल है ये, ठीक है? ठीक है ना दोस्तों, क्या आंसर है इसका? यहां पर कैपिटा नेशनल इनकम यूएस डॉलर में ये देखा जाता है, ठीक है? नेशनल इनकम पर हेड का मतलब होता है पर कैपिटा। सर पर कैपिटा क्यों देखते हैं इनकम? पर कैपिटा इनकम देखते हैं हम लोग इसलिए ताकि हम पता कर पाएं कि वहां का जो जनता है उनका लिविंग स्टाइल कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। जहां पर इनकम अच्छी होगी वहां पर आपका जो लाइफ होगी अच्छी तो होगी ही, है ना? जहां पर इनकम बढ़िया है वहां पर लाइफ अच्छी होगी, वहां पर सुविधाएं अच्छी होगी और वहां का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होगा। जहां पर लिटरेसी रेट हाई होगा वहां पर इंडेक्स बढ़िया होगा। जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब कि जन्म लेते ही वो बच्चा कितने साल जिएगा, ये अगर ज़्यादा होगा मतलब वहाँ पर जीवन यापन अच्छे से हो रहा है, वहाँ पर हेल्थ बढ़िया हो रहा है, वहाँ पर एजुकेशन बढ़िया है, समझ रहे बात? तो HDI जो है ये इन तीन पैरामीटर पर नाप करके पूरा देश का जो वो है ना औकात वो दिखा देता है। क्लियर है? इनको डेवलप किया था महबूब उल हक पाकिस्तान के, और जो अमर्त सेन है उन्होंने मिल करके पहली बार आया था 1990 में, UNDP के द्वारा इसको लाया गया था। तीन इंडिकेटर होते हैं यहाँ पे उनका, जो ज्योमेट्रिक मीन है ना, GM ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़ा होगा सीरीज एंड प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ये सब के बारे में। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, नेशनल इनकम, इन सबके आधार पर हम लोग स्कोर निकालते हैं 0 से 1 के बीच में। क्लियर है? तो ये बातें हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। देखो जो आपका एजुकेशन है वो नापते हैं मीन ईयर ऑफ एजुकेशन में, मतलब एक बच्चा कितने साल तक पढ़ाई करेगा वो नापते हैं, और कितने साल तक स्कूल जाएगा वो नापते हैं। क्लियर है? अगला सवाल है, इनमें से कौन से संस्थान ने डेवलप किया है एक इंटीग्रिटी इंडेक्स फॉर वेरियस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो हमारे सेंट्रल PSUs हैं उनके लिए जो इंटीग्रिटी इंडेक्स है उसे किन्होंने डेवलप किया है? CBC, CBI, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड पब्लिक प्रमोशन, UPSC, इन चारों में से किन्होंने एक इंटीग्रिटी इंडेक्स को डेवलप किया है? ध्यान से बताना, बिल्कुल तीन इंडिकेटर थे, ठीक है? मुकेश कैसे हैं, काम कैसे चल रहा है आपका? ठीक है, साझा खातून आप ईमेल में नंबर मेंशन किया कीजिए। जो लोग भी ईमेल करते हैं वो प्लीज नंबर मैसेज किया करो ईमेल में, ईमेल में नंबर भी अपना इंक्लूड कर दिया करो, ठीक है दोस्तों? ये जो इंडेक्स है वो कौन निकालता है? अनअकैडमी के आप कोई भी कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे वो UPSC का हो, स्टेट PCS का हो, जो हमने नया लॉन्च किया है 11th 12th का उसका हो, किसी का भी हो, आप इस कोड को यूज़ कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का जो डिस्काउंट है मिलेगा अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो। टेलीग्राम चैनल है एड सुमंत, पता है आपको, टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिएगा। सेम फेसबुक पर भी है, फेसबुक पर आप सुमंत कुमार लिखिएगा, मैं आपको दिख जाऊंगा वहां पर। क्लियर है? CVC ने निकाला था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो एक वैधानिक बॉडी है, जो एक स्टेचुअरी बॉडी है, इन्होंने डेवलप किया है एक इंटीग्रिटी इंडेक्स को, ठीक है? इसका पर्पस क्या होगा?
जो संस्था है, संस्था में इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है वो बताएगा, अलग अलग फैक्टर्स इंटीग्रिटी के उसको डिफाइन करेगा, उनका लिंकेज क्या क्या है वो डिफाइन करेगा, वहाँ पर कुछ टूल बनाएगा जिससे उस संस्था के जो लोग हैं, संस्था के जो कर्मचारी हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है वो मेजर किया जाएगा और देखा जाएगा कि हाँ लोग कितने करप्ट हैं, कितने लोग सही हैं वहाँ पर। अगला सवाल है जो सीपम, इसके बारे में सीपम के ऑब्जेक्टिव्स पर सवाल पूछा गया है आपसे। सीपम का मतलब होता है सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर को डिफाइन किया गया है डब्ल्यूटीओ का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है इसमें, ट्रिप्स एग्रीमेंट का जो सेक्शन 22 है इसमें जीआई को, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। हमने कल बताया था आपको जीआई टैग का जो एक्ट है, उन्नीस वाला, ये हमने पार्लियामेंट के द्वारा पास कराया था इसी सेक्शन 22 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैंने कल बताया था, नहीं बताया था ना जी। बताओ क्या यहाँ पर सिंप्लीफाई किया जाएगा, स्ट्रीमलाइन किया जाएगा आईपी प्रोसेसेस को, आईपीआर अवेयरनेस कैंपेन अक्रॉस द कंट्री एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, स्टडी एंड फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर प्रमोशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ आईपी विद इन द कंट्री। 1, 2, 3 में से कौन सी बात सही मुझे बताना सीपम के बारे में, कौन सी बात सही है मुझे बताइएगा। क्लियर है? यहाँ पर जब भी आप लिखे एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, समझ जाओ कि गलत है। क्यों गलत है? जम्मू कश्मीर एक्सेप्ट पहले हुआ करता था क्योंकि वहाँ पर संविधान अलग था, संविधान वहाँ का हटा दिया गया, अब वहाँ पर भारत का संविधान वहाँ पर अप्लाई होता है। 370 हटाने के बाद वहाँ पर हमें संविधान अप्लाई होता है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, ये तो गलत है, तीसरा सही है, 1 and 3 सी इज द करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत है? ठीक है ना, 1, 2, 3 तीनों सही है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के प्रोसेस होंगे ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि आप आराम से एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे, हम उसको रिव्यू करेंगे और फटाफट आपको आपका आईपीआर सौंपेंगे। अगला सवाल है इसमें से कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं आपटा के, आपटा के मेंबर सदस्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, यूएसए। इसमें टोटल 6 मेंबर हैं आपटा में, टोटल 6 सदस्य हैं। कितने हैं? 6 सदस्य हैं आपटा में, टोटल आपके 6 मेंबर हैं। ठीक है, बढ़िया, सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। किया क्या, एक ही बार लाइक करना है इसको, और इसको अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे शेयर कीजिएगा। क्लियर है? यूएस मेंबर नहीं है आपटा का, यूएस यहाँ पर मेंबर नहीं है आपटा का, बाकी तीनों है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया। क्या आंसर आ गया जी? सी, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया के अलावा कोरिया, श्रीलंका और लाओस, ये तीनों, लाओस, श्रीलंका और आपका साउथ कोरिया, ये तीनों मेंबर हैं आपटा के। आपटा के टोटल 6 सदस्य देश हैं, इनमें से आते हैं बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, लाओस, कोरिया और श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ पे? बढ़िया, तो ये थी बातें हमारी आज की, हमारा आधा घंटा पूरा हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अब कल 16 अप्रैल को हम लोग मिलेंगे ठीक 6 बजे कल सुबह, 1 सेकंड ना आगे, 1 सेकंड ना पीछे, बिल्कुल 6 बजे आपको हम यहाँ पर आ जाएंगे आपके सामने पढ़ाने के लिए। फिर से हम लोग आज के सवाल उसको रिवाइज़ करेंगे और हम कल के नए क्वेश्चन देखेंगे। क्या आपको वीडियो पसंद आया? अगर आपको पढ़ाई पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको आईडी पता है, और आप कोई भी कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी का इस कोड को यूज़ करके। आपको कोर्स लेना है, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे मेल कीजिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग। और आप जब भी कोई कोर्स लेने के सब्सक्राइब करें अनअकैडमी का, तो ये कोड यूज़ कीजिएगा, किसी दोस्त को करें तो उसको कहिएगा।
क्लियर है। हम लोग मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं, अभी कहाँ, 7 बजे मॉक टेस्ट है, 7 बजे अभी आधे घंटे के बाद मॉक टेस्ट है, और आज तीन बजे स्पेशल क्लास है, 3 बजे स्पेशल क्लास है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर मैं दे दूँगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 3 बजे ऐप में मेरा प्रोफाइल सर्च कीजिएगा सुमंत कुमार, आपको मैं वहाँ पर मिलूँगा, हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्लास है 1.5 घंटे की स्पेशल क्लास वाली, आना मत भूलिएगा। क्लियर है, मिलते हैं हम लोग 7 बजे और 3 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।